आपका उपन्यास है शहर में कर्फ्यू, उसके बारे में हम ये जानना चाहेंगे कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में कितना वो आपके यथार्थ अनुभव का हिस्सा था और कितना एक रचनाकार के रूप में जो एक सच्चाई को इंटरनलाइज करके अपने ढंग से नए रूप में लाता है वो हिस्सा कितना था, और जिसको वास्तविक अनुभव कहते हैं वो हिस्से कितने थे। देखिए, दोनों का मिला जुला परिणाम है। मैं सांप्रदायिकता की समस्या में मेरी दिलचस्पी अपने छात्र जीवन से थी और मैं भारतीय समाज को जब भी समझने की कोशिश करता था तो यहीं पर जाकर अटक जाता था, क्योंकि बड़ी संश्लिष्ट और बहुत जटिल जमीन है वो। बाद में जब मैं पुलिस में आया तो जो कुछ मैंने पढ़ा था, जो कुछ मैं सोचता था, जो मेरा फॉर्मुलेशन था वो और दृढ़ हुआ। मेरा विश्वास इसमें बढ़ा कि भारतीय राज्य अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह का व्यवहार करना चाहिए उस तरह का बहुत सारे मौक़ों पर नहीं करता है, और जो गुस्सा या जो जाति का भाव अल्पसंख्यकों के मन में है वो बहुत गलत नहीं है। बाद में जब मैं 1980 में इलाहाबाद में, अभी मैंने अपनी नौकरी शुरू ही की थी और मेरी तैनाती वहाँ हुई एसपी सिटी के रूप में, तो इस एक दंगे को देखने का मुझे मौका मिला जिसके बैकग्राउंड पर ये शहर में कर्फ्यू लिखा गया। ऐसे अनुभव हुए जो मुझे लगता था कि वो अगर मैं पुलिस में नहीं रहा होता तो मुझे नहीं होते। हालांकि देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि लैंग्वेज इज़ अ वेरी पुअर सब्स्टिट्यूट ऑफ थॉट। आप जो कुछ देखते हैं सोचते हैं कई बार वो आपके हाथ से जब आप लिखने लगते हैं तो फिसल जाता है यथार्थ और भाषा उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाती। तो शहर में कर्फ्यू लिखते समय मुझे अक्सर ये लगता था कि जो कुछ मैंने देखा था या उन 10-15 दिनों में जो कुछ भोगा था जिस नर्क को, उसे पूरी तरह से मैं लिख नहीं पाया। वो बार बार वो चीज़ें हाथ से फिसल जाती। लेकिन इसके बाद भी सही है कि शहर में कर्फ्यू काफ़ी हद तक उस दंगे के अनुभवों पर आधारित है, और जाहिर है कि जब आप कोई चीज़ कोई रचनात्मक प्रयास करते हैं तो उसमें कुछ असल है, कुछ ख्वाब है, कुछ तर्ज बयां है, कहानी के लिए कहा जाता है जी। तो जाहिर है उसमें कुछ तर्ज बयां आ जाता है और कुछ ख्वाब भी आ जाता है। और एक लेखक है वो संवेदनशील होता है, पर आप वहाँ एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात थे, लेकिन उनकी जो अंदर की ज़िंदगी है उसके साथ किस तरह आपने वो जो तादाद में जो स्थापित करते हैं, वो जो आइडेंटिफाई करते हैं उसके साथ कि वो कितनी परेशानी में है, जो एक वो पूरा घेटो जो है जिसमें वो रह रहे हैं, जिसमें एक मृत्यु हो गई है, उसको दफनाने के लिए नहीं निकल पा रहे हैं, वो इतनी जो बहुत ही बेचैनी वाली चीज़ें हैं, किस तरह से आप उनके साथ मतलब अपने को आइडेंटिफाई कर पाए, क्योंकि आप तो एक तरीके से फैंस के इधर हैं। देखिए, ये बात आपने बहुत सही कही कि आप फैंस के इधर रह करके उधर का जीवन देखना, उसको महसूस करना और फिर उसको लिख पाना, ये निश्चित रूप से एक मुश्किल काम है। और इसीलिए तो मैं अपनी असफलता भी मान रहा हूँ कि कई बार मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें जो मैं देख रहा था या सोच रहा था वो मेरे हाथ से फिसल गई, वो मेरी भाषा उसको पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाई। लेकिन उसके साथ साथ जो कुछ थोड़ा बहुत मैं लिख पाया, मैं समझता हूँ कि वो अगर मैं सिर्फ पुलिस अधिकारी होता या सिर्फ लेखक होता तो नहीं लिख पाता। उसमें उस वैज्ञानिक समझ का भी हाथ है जो अपने छात्र जीवन के दौरान मैंने थोड़ी बहुत हासिल की थी, जिसे मार्क्सवाद भी आप कह सकते हैं। तो उसने मुझे दंगों के दौरान मनुष्य बने रहने में मदद की, बहुत सारी कठिन परिस्थितियों में मनुष्य बनने में मदद करता है मार्क्सवाद, और ख़ासतौर से सांप्रदायिकता जैसी जटिल स्थिति में तो बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि पहली बार आपको लगता है कि आप एक हिंदू परिवार में पैदा जरूर हुए हैं, लेकिन इस समय आप जब एक ऐसी स्थिति में जहाँ जहाँ पर हिंदू जाति कर रहे हैं, वहाँ आपका फर्ज ये बनता है कि फिर आप हिंदू या मुसलमान न रहें और एक मनुष्य के रूप में आचरण करें, और एक पुलिस अधिकारी के रूप में भी जाहिर है कि पुलिस अधिकारी से जिस संविधान की उसे शपथ दिलाई जाती है उससे अपेक्षा तो यही की जाती है कि वो ऐसी किसी भी परिस्थिति में मजबूती के साथ खड़ा होगा और हिंदू या मुसलमान नहीं बनेगा। तो ये भी उस वैज्ञानिक समझ में भी जो थोड़ी बहुत मैं विकसित कर पाया उसने भी मुझे इसमें मदद की। और अक्सर कहा जाता है कि आप जब किसी चीज़ को फिक्शन में लिखते हैं तो बड़े लेखक जो होते हैं वो पहले उस बारे में सैद्धांतिक रूप से उनका एक बड़ा अध्ययन होता है। जैसे जॉन स्टाइनबेक के बारे में कहते हैं कि जब उन्होंने ग्रेप्स ऑफ रॉथ लिखा उसके पहले वो जो अमेरिका में
जो डिप्रेशन में जो समस्याएं थी जो मजदूरों और किसानों के साथ, उस पर उन्होंने बड़ा काम नॉन फिक्शन में किया था, इसी वजह से शायद वो उतना अच्छा उपन्यास ग्रिप्स ऑफ रॉथ लिख पाए। तो आपने भी क्या जो ये सांप्रदायिक टैक्स की समस्या आपने उपन्यासों में उठाई है, तो कोई ऐसा सैद्धांतिक काम जो लंबे समय आपने किया हो और शायद वो आपका कन्विक्शन बन गया हो, जिसके तहत आपने साहित्य में भी ये प्रयास किया कि जो चीज़ें कई बार आप नॉन फिक्शन में उतने बेहतर ढंग से नहीं कह पाते हैं, उतने मार्मिक ढंग से नहीं कह पाते हैं, उसको आप अपने कथा साहित्य में अच्छे से दर्शाएं? देखिए, मैंने पहले निवेदन किया कि मैं नौकरी में आने के पहले से ही मैं इस तरह की चीज़ों में दिलचस्पी रखता था जो मुझे भारतीय समाज को समझने में मदद करे। भारतीय समाज अपने आप में एक जटिल और संस्कृत समाज है, आप जानते हैं, पूर्ण व्यवस्था ने उसे और ज़्यादा जटिल बना दिया है, लेकिन उसमें जो ये एक खास मुद्दा था सांप्रदायिकता, जिसने कि हमारा पूरा आप कह सकते हैं 400-500 साल का इतिहास जैसे निर्मित किया है, और तो हमारा इतिहास के साथ साथ हमारा भूगोल जैसे निर्मित किया है, उस पर जा कर के मेरी दिलचस्पी का बिंदु टिका और मैंने उस पर पढ़ना लिखना शुरू किया। अलग अलग लोगों से जो इस विषय पर काम कर रहे थे उनके साथ बैठ करके उनसे सीखने का प्रयास किया, और जब मैं पुलिस में आया तो वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो कुछ सैद्धांतिकी मेरे पास थी उसको एक प्रयोगशाला मिल गई। यहाँ आ करके राज्य और अल्पसंख्यकों के रिश्ते और राज्य का जो सबसे दृश्यमान जो अंग है, जो सबसे विजिबल ऑर्गन है पुलिस, आखिर राज्य एक सांप्रदायिक दंगे की स्थिति में या किसी भी क्राइसिस की स्थिति में जहाँ हिंसा हो रही है और लैंड ऑर्डर जैसी समस्या हो, वहाँ पुलिस के द्वारा ही राज्य पहचाना जाता है। तो जो पुलिस के और अल्पसंख्यकों के रिश्ते थे इस देश में, वो मुझे समझने में जब मैं इस सेवा में आ गया वो आसानी हुई, और बाद में शहर में कर्फ्यू उपन्यास में भी उससे मुझे मदद मिली, और मुझे एक शोध का काम मिला, एक फेलोशिप मिली, उसमें भी मैंने सांप्रदायिक दंगों के दौरान जो विभिन्न समुदाय हैं जो पीड़ित होते हैं उनके किस तरह से रिश्ते बनते हैं राज्य और पुलिस के साथ, उनको समझने के लिए काम किया था, तो उसमें भी इसकी मदद मिली। शहर में कर्फ्यू के बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद हुए हैं, वो कुछ एक दो अनुवाद जिन्होंने आपको बहुत संतोष प्रदान किया? देखिए, शहर में कर्फ्यू के साथ मुझे संतोष ये है कि करीब 10 भाषाओं में उसके अनुवाद हुए, और उर्दू में तो 100 से ज़्यादा उसके संस्करण निकले, अलग अलग अखबारों में, अलग अलग पत्रिकाओं ने, अलग अलग प्रकाशकों ने, और ज़्यादातर ने बिना मुझे सूचित किए, बिना मुझसे इजाज़त लिए उन्हें छापा। मुझे इसका बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि मैं तो विश्वास करता हूँ कि भाई जब तक वो लेखक के रूप में मेरा नाम ना हटा दें या उसके कंटेंट में कोई फेरबदल ना करें तो अच्छा है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचने का मौका मिलेगा। तो शहर में कर्फ्यू के अनुवाद ने मुझे, ख़ासतौर से उर्दू का एक अनुवाद है वकार नासरी का, उसने मुझे बहुत संतोष दिया, और सीएम नईम साहब, चौधरी मोहम्मद नईम जो शिकागो में उर्दू पढ़ाते थे, उन्होंने इसका अंग्रेज़ी अनुवाद किया, वो भी बहुत अच्छा, मतलब एक लेखक के तौर पर मुझे संतोष हुआ इन दोनों अनुवादों से।